हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बिना आलू के फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी के बारे में सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया उसे देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए लगभग हमने 200 ग्राम हरा मटर लिया हुआ है, ये एकदम फ्रेश है। और इसी के साथ हमने लगभग 2 पीस लाल टमाटर लिया हुआ है, 1 प्याज, हरा धनिया और 2 लाल मिर्च लिए हुए हैं। तो बनाने से पहले सबसे पहले हम गोभी को कट करके बॉयल कर लेंगे। ये थोड़ा सा 50% बॉयल हो जाए उसके बाद इसे निकाल कर अलग कर लेंगे। तो इसे बनाने की विधि देखते हैं। तो गोभी लगभग बॉयल हो गया है, अब इसे निकाल कर अलग कर लेंगे। तो और बनाने की विधि देखते हैं। पैन को गैस पर चढ़ा दिया है, अब इसमें सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। लगभग 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए इसके साथ हम 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा थोड़ा सा रेड होना स्टार्ट हो जाए इसके साथ कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे हम। और थोड़ा सा इसी में क्रश करके हम अदरक डाल देंगे। इसे क्रश कर लेते हैं अदरक को इसी में, ये थोड़ा सा रेड हो जाए। इसी के साथ हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने पहले से काट के रखा हुआ है। तो थोड़ा सा वो रेड हो गया है, अब इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। तो प्याज को ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम अभी, क्योंकि इसी ऑयल में हम गोभी को भी भूनने वाले हैं। तो इसे साइड में कर लेते हैं और बचे ऑयल में हम गोभी को भून लेते हैं। इसे हमने पहले से बॉयल करके रखा है तो इसे भून लेते हैं, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन इतना फ्राई करेंगे कि टेस्ट अच्छा है। तो फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो इसे थोड़ा सा पलट देंगे, फिर देखते हैं पका कि नहीं, साइड में चेक करते हैं। तो ऐसे ही सारे पलट देंगे हम। सारे पलट दिए, फिर साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद फिर इसे निकाल कर हम कुछ टाइम बाद अलग कर लेंगे। तो कुछ टाइम बाद चेक करते हैं, इस साइड से भी पक गया है, थोड़ा सा और पका लेंगे जहाँ जहाँ कच्चा है। तो इसे पका ले रहे हैं अच्छे से, ये लगभग पक चुका है। अब इसे निकाल कर अलग प्लेट में हम अलग कर लेंगे। तो प्लेट में इसे हम निकाल ले रहे हैं और इसी के साथ इसे हमने निकाल लिया है। ये हमारा तड़का के लिए जो हमने डाला था वो सारे पड़े हुए हैं ऐसे ही। देखिए बहुत ज़्यादा जला भी नहीं है और ये पक भी रहे हैं। तो आप चाहें तो ऑयल ऐड करके और पका सकते हैं, लेकिन हम ऑयल और नहीं ऐड करेंगे। इसके साथ हम हरा मिर्च ऐड कर दे रहे हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा भून लेंगे इसे कुछ सेकंड के लिए। उसी के बाद हम हरा मटर ऐड कर देंगे, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि मटर बहुत जल्दी पक जाता है। तो मटर जब तक भुना रहा है, इसी के साथ हम कटा हुआ लाल टमाटर ऐड करेंगे जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो इसकी क्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर के साथ साथ हम इसी में नमक भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देते हैं इसमें। अब अपने टेस्ट के अनुसार नमक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सबको एक साथ ऐड कर दे रहे हैं। ये सब्जी मसाला ऐड कर दे रहे हैं। सबको अच्छे से भून लेंगे हम ताकि टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी टमाटर के पानी में ही भून जाए, अलग से हमें पानी ना ऐड करना पड़े। तो ये भून रहे हैं, जब तक ये भून रहे हैं इन्हें हम ढक देते हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हमने ढक दिया, 2 मिनट बाद इसे देखेंगे खोल के। तो 2 मिनट हो गए, ये टमाटर लगभग सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी के साथ हम पहले सबसे पहले गोभी ऐड कर देंगे इसमें और गोभी को भी भून लेंगे। तो गोभी को ऐड कर दिए, इसी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर गोभी में आ जाए। तो एक साथ मिक्स कर लेंगे गोभी को भी मसाले और मटर में। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। इसी के साथ लगभग 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहें तो ना भी यूज़ करें, लेकिन हम थोड़ा सा डालेंगे। तो पानी ऐड कर दिया मैंने लगभग 1/2 कप। इसे थोड़ा सा मिक्स करके हम इसे ढक देंगे और ढककर लगभग 5 मिनट तक ऐसे मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे ढक देते हैं, ढककर 5 मिनट तक पकने देते हैं। 2 मिनट हो गया, चेक करके देखते हैं, ये लगभग पक रहा है। इसे फिर से पलट देंगे ताकि पूरी गोभी में ग्रेवी आ जाए अच्छे से, मसाले का टेस्ट आ जाए अच्छे से। तो इसे पलट के फिर से ढक देंगे हम। तो इसे फिर से हम ढककर छोड़ देंगे और ढकने से पहले इसमें हरा धनिया ऐड कर दे रहे हैं और इसे फिर ढक देंगे। धनिया ऐड कर दिया हमने, अब इसे ढक देते हैं। ढक दिया, ढकने के बाद हम थोड़ी देर बाद फिर से गैस को बंद कर देंगे। तो देखते हैं सब्ज़ी पूरी तरह से पक गई, इसे मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करके फिर से गैस को बंद कर दे रहे हैं
और इसे ढककर सेट होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो हमने गैस को कर दिया बंद, अब ये हो रहा है सेट। तो 5 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे हमने सर्व कर लिया है। तो अगर आपको हमारी गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।